उत्तर प्रदेश के बागपत में सरकारी तालाब पर कब्जा कर उस पर करीब आधा दर्जन दबंगों ने आम रास्ते का निर्माण करा दिया, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने चुनाव में वोट पाने के लिए तालाब पर पटवारी विनोद शर्मा और कानूनगो के साथ मिलकर अवैध रास्ते का निर्माण कराया है, जिसकी शिकायत और SDM से लेकर आला अधिकारियों को कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस पर जल्द कार्यवाही नहीं की गई तो वे इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। दरअसल पूरा मामला छपरौली थाना क्षेत्र के रथोड़ा गांव का है। गांव में काफी पुराना करीब 9 बीघे का तालाब था। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम प्रधान ने चुनाव में वोट पाने के लिए तालाब पर कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर कब्जा कर दिया था और उस पर अवैध रास्ते का निर्माण भी करा दिया, जिसकी शिकायत वे आला अधिकारियों से भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस पर जल्द कार्यवाही नहीं की गई तो वे इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मेरा नाम है जी राजेंद्र सिंह आर्य। अच्छा, किस बात को लेकर विवाद चल रहा है बताइए, क्या विवाद मामला बताओ? विवाद लेकर की इससे चल रहा है कि जो तालाब पे एक तरफ से लेकर एक तालाब पे कब्जा नहीं होने देंगे हम, और दूसरी तरफ तालाब में ही रास्ता बनाया जा रहा, तालाब में ही मकान बना रखे। उधर जो सामने वो दिखाई देता है ये सारे, और ये साइड के ये सारे तालाब में ही बने हुए हैं, और इस पर यदि अधिकारियों के पास गए भी हम तो वहाँ एक बार सुनाई होने के बाद में दूसरी बार हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे ये स्पष्ट महसूस हो रहा कि कहीं ना कहीं कुछ लेन देन किया गया, और उस लेन देन के कारण ही अधिकारियों ने, यहाँ तक भी हुआ हमारे साथ में तो कि हम DM से आदेश करा करके लाए और DM के आदेश को SDM ने लेने से मना कर दिया, उन्हें फॉलो करने से मना कर दिया, और उसका केवल और केवल एक ही कारण था कि वहाँ आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ रिश्वत दी गई और मोटी रिश्वत दी गई, और केवल एक आदमी। किस गांव का मामला है ये? रथोड़ा गांव का मामला है जी। कौन अधिकारी आता है यहाँ परसों? तो एक तो पटवारी थे यहाँ के जो मुझे मिले थे, एक कानूगो थे शायद, तो दोनों ने जब मेरे साथ में उनकी बात हुई तो मैंने कहा जी आप किस लिए आ रहे, कह लिया ये कब्जा कर रहे हैं। मगर जी ये तो कब्जा कम से कम 45 साल पहले का है, 45 साल पहले उसमें वहाँ दीवार निकली हुई है, वो आज भी आप निकाल सकें उसके अवशेष आज भी हैं जो कुल तालाब का रकबा है लगभग 9 बीघे। 9 बीघे मौके पे कितना है? मौके पे तो होगा ज्यादा 5 या 6 बीघे, ये सारा पे कब्जा ही हुआ है। ये कब घेरी गई? अभी घेरी गई। हाँ, कुछ अब घेरी गई, कुछ पहले से ही चल रहा है जी, इसी तरह से 4 बीघे होगा जब। हाँ जी, ठीक है। तो इस तरह से ये चल रहा है इसमें, और जिस दिन बल्कि यहाँ आए हुए तो इतवार का दिन था, उस दिन ऑफिस भी खुले हुए नहीं थे कि जिससे कोई कार्यवाही ना हो सके, कहीं आ जा ना जा सके, क्योंकि सब दफ्तर बंद थे। ठीक है, मेरा नाम प्रतीक है जी। अच्छा, क्या मामला है ये बताइए। मामला ये है जी, अभी रविवार के दिन यहाँ पे पटवारी आए थे जी, लेखपाल, उन्होंने यहाँ पे मिट्टी डलवाई थी, यहाँ पे रास्ता इंटर रास्ता बनवा दिया। जो पटवारी है यहाँ पे, जो प्रधानपति है अशोक कुमार, और जिनके घर है जी यहाँ पे उपेंद्र लोकेंद्र, इनके साथ मिले हुए हैं जी, इनका निजी रास्ता तैयार करवाया गया जी यहाँ पे, जबकि रास्ता है यहाँ पे उधर से रास्ता मिला हुआ है सबको जी, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं था पहले, तालाब में रास्ता बनाया गया जी, और पटवारी भी इसमें मिले हुए हैं जी। हमने परसों SDM के यहाँ पे एप्लीकेशन दी थी जी, उस पर भी कोई अभी तक कार्रवाई हुई नहीं है जी यहाँ पे। क्या मांग है? मांग ही है जी रास्ता हटाया जाए, क्योंकि रास्ता जब है तो तालाब में रास्ते बनाने का क्या मतलब है? पानी की जल भराव की समस्या है जी यहाँ पे बहुत बड़ी, नावे नहीं, आप चेक करा लो, इन पर जाँच बैठाई जाए। तालाब में है जी अभी, इन पर अपनी योजना में जी उन्होंने इन पर कब्जा करवाया गया जी, वहाँ पे देख लो 1.5 साल पहले खुदाई हुई थी जी इस जोड़ की, वहाँ पे देख लो मिट्टी डली हुई है जी, नल का लगा हुआ है, सरकारी प्रधान ने लगवाया जी, और खोर वोर बनाई हुई है जी उन्होंने, मतलब अपने पशुओं के लिए भी। ठीक, हाँ जी। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए